लिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। तो प्रभारियों और सह प्रभारियों की नई सूची जारी हुई है। हरियाणा में विप्लव देव प्रभारी रहेंगे, तो ये बड़ी खबर। सुरेंद्र नागर को सह प्रभारी बनाया गया है, ये बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी हुई है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सूची जारी कर दी है, इस वक्त की बड़ी खबर। प्रभारी और सह प्रभारियों की नई सूची जारी की गई है। हरियाणा में विप्लव देव ही प्रभारी रहेंगे, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। सुरेंद्र नागर को सह प्रभारी बनाया गया है, तो इस वक्त की बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने सूची जारी कर दी है, प्रभारी और सह प्रभारियों की नई लिस्ट जारी की गई है। हरियाणा में विप्लव देव प्रभारी रहेंगे, इसके अलावा सुरेंद्र नागर को सह प्रभारी बनाया गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको एक बार फिर से बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सूची जारी कर दी है और प्रभारी और सह प्रभारियों की नई सूची जारी की गई है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। हरियाणा में विप्लव देव प्रभारी रहेंगे। ये बड़ी खबर, प्रभारी और सह प्रभारियों की नई सूची जारी कर दी गई है। हरियाणा में विप्लव देव प्रभारी रहेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर से आपको बता दें, सुरेंद्र नागर को सह प्रभारी बनाया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव होने हैं, उसे देखते हुए ये सूची, महत्वपूर्ण सूची जारी कर दी गई है। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, जानकारी आपसे चाहेंगे, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रभारी और सह प्रभारियों की लिस्ट जारी की है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक और नई सूची जारी की गई, जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारियों के नाम जो हैं उस सूची में डाले गए हैं। हरियाणा में भी विप्लव देव अभी भी प्रभारी जो हैं वो बने रहेंगे और सुरेंद्र नागर को सह प्रभारी हरियाणा की तरफ से बनाया गया है। इसके अलावा तमाम जो स्टेट है उनके प्रभारी और सह प्रभारी जो है वो नियुक्त किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी एक्टिव नजर आ रही है। समय समय पर इस प्रकार के जो बदलाव करने होते हैं या फिर सूची जो जारी करनी होती है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रहती है। जी ठीक है। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, जो लिस्ट जारी हुई है, प्रभारी और सह प्रभारियों की नई सूची जारी हुई है, हरियाणा में विप्लव देव ही प्रभारी बने रहेंगे, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? लोकसभा चुनाव की तैयारी में है पूरी पूरी तरह से बीजेपी कहीं ना कहीं? जी देखिए, सबसे अहम बात है कि जो विप्लव देव है पहले से ही प्रभारी है, वे पार्टी मामलों के प्रभारी हैं और तमाम जो गतिविधियां हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की चलती है वो उसमें मौजूदगी उनकी दिखाई देती है। तो एक तरह से बीजेपी ने उन्हीं पर ही भरोसा जताया है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी जो प्रभार सौंपे गए हैं उन पर विप्लव देव पर उन्होंने जिम्मेवारी एक बार फिर डाल दी है, लोकसभा चुनाव की भी, और साथ साथ सह चुनाव प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं जिनमें सुरेंद्र नागर का नाम आया है और दोनों ही सांसद है। देखिए, विप्लव देव वैसे त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राज्यसभा सांसद हैं और सुरेंद्र नागर भी सांसद है। तो ऐसे में संसदीय चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति तैयार है और एक तरह से जिस प्रकार से कोई भी युद्ध लड़ा जाता है उसके लिए कहां कहां किस की नियुक्ति होगी और कैसे पूरा चक्रव्यूह रचा जाएगा, तो उसके लिए बीजेपी पहले से ही तैयारी करती है और यह बीजेपी की परिपाटी रही है। और इसी कड़ी में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से जो चर्चा करने के बाद यह लिस्ट जारी की गई और तमाम देश के प्रदेशों को लेकर और साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों में भी ऐसी नियुक्तियां की गई है। चाहे अंडमान निकोबार की बात करें, चंडीगढ़ में बात करें, विजय भाई रूपाणी है, देखिए विधायक है गुजरात के, उन्हें प्रभारी बनाया गया। तो ऐसे में तमाम महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है ताकि चुनाव जो है वो मजबूती से लड़ा जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। रवि, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।